यहाँ पे जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो कैसा लग रहा है, मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे बनाई है जगहें ये, पर जो भी है बहुत सुंदर है। यही शब्द निकल रहे हैं बाबा मुंह से कि सुंदर है सुंदर है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज है फ्राइडे और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जिसका नाम है फोंगना, और लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता है एंड बाय बस जाना है हमको। सो बस स्टेशन पास ही यहाँ से 300 मीटर, बट वही अभी बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, तो हम वेट कर रहे हैं बारिश थोड़ी ख़त्म कम हो जाए फिर हम जाएंगे आगे। एंड वेदर अच्छा हो रहा है इस टाइम पे, ये देखो। सो यहाँ पे अब हम इनके बस स्टेशन पे आ चुके हैं जो यहाँ का लोकल बस स्टेशन है, और जो पीछे बसें खड़ी हैं ऐसी सारी बसें हैं जो छोड़ेंगी, और ये 70,000 रुपये ले रही हैं, मतलब लगभग 100-150 रुपये जो मुझे अभी तक लग रहा है। अंदर से जो ये बस है ऐसी लगती है। एंड अब यही बस है जो हमको लेके जाएगी 70,000 रुपये पर पर्सन देके एंड सीधा फोंगना, जो कि 1.5 घंटे का रास्ता है लगभग यहाँ से। तो चलते हैं वहाँ पे, अब देखते हैं रास्ता कैसा है। तो यहाँ पे अभी भूख लग रही थी और 1 घंटा था, तो सोचा हमने अब कुछ भाई ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। सो यहाँ पे बनाना ले लिए हमने और अपना कोकोनट वाटर। भैया कोकोनट यहाँ के इतने बड़े बड़े हैं, 100 रुपये का है पर बहुत बड़े हैं, मतलब 2 से 3 लोग पी सकते हैं आराम से, इतना बड़ा है। और सही है, चलो वेट करते हैं अपनी बस चलने का, चलने वाली है और 1.5 घंटे में, एंड देन फिर फोंगना पहुँचेंगे। फाइनली अब हमारी बस चल चुकी है और पूरे 10 बजे चली है यहाँ से, 11 बजे बोल रहे थे पर 10 बजे था, हमें समझ में 11 बजे आया था वो। एंड पूरी बस खाली है, कोई नहीं है, और यहाँ पे AC चल रहा है बस में। सो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अपना कोई गर्मी की दिक्कत नहीं है। और ये हमारे भैया हैं, ये हमारे यहाँ के पर्ची काटने वाले भाई, हमारे पर्ची काटेंगे अभी 70,000 रुपये की। अब देखो कितने बजे पहुँचते हैं हम। 12 seconds later। सो हमें था कि बस खाली जा रही है पर ये हमारे सरप्राइज हुआ, ये देखो। ये पूरी बस भर चुकी है और जगह नहीं है इंसान के बैठने की बिल्कुल भी। सो यही है कि आपको लोकल ट्रैवल करना है और देखना है कि कैसा होता है, तो ऐसा होता है, देख लो। सो फाइनली अब हम फोंगना पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सही हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, और सुबह लगभग हमको लग गया आने में 1.5-2 घंटे लग गए। 1 घंटे का ट्रैवल था पर ये था कि बस जो है ये लोकल बस थी तो काफ़ी बीच में रुक के चल रही थी, और यहाँ पे हमको फोंगना टूरिस्ट सेंटर के बीच में छोड़ा है इन्होंने यहाँ पे, और यहाँ से हमारा होटल है लगभग 400 मीटर, जो कि है दिखा रहा है 8-9 मिनट चल के। यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी बुक करी थी उसकी एक चीज़ अभी मुझे बड़ी पसंद आई है, वो बंदा बेचारा हमको ऐसे पिक कर रहा है, हम 4 लोग थे तो बारी बारी बेचारा आ रहा है, पिक कर रहा है, सामान के साथ सामान भी लेके जा रहा है। तो ये अभी तक बहुत सही लगा है कि फालतू में हम हर जगह अभी तक टैक्सी का पैसा दे रहे थे जहाँ जहाँ जा रहे थे। ये देखो अभी बाइक पे आया है, पहले स्कूटी पे आया था, ये इसका लास्ट चक्कर है। तो अभी हेलमेट भी पहनना पड़ता है यहाँ पे। बैठ गए हम, या लेट्स गो, सब जा रहे हैं। सो पहुंच चुके हैं होटल में और सामने रिवर बनी हुई है बड़ी सुंदर, और अभी देखते हैं क्या सीन। हाँ इंडियन फ्लैग, तो यहाँ पे अपना झंडा भी लगा हुआ है देश का, तो मतलब इंडियंस आते हैं यहाँ पे रुकने। और सामने बड़ा सुंदर लग रहा है यार, अभी तो मैंने देखा नहीं पर बाइक से दिखा है जो बहुत ही सही लग रहा है, ये देखो। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ का जो टूरिस्ट सेंटर है, वहाँ से हमको फोंगना केव की टिकट मिलेगी, एंड बाय बोट जाना होता है फोंगना केव। सो 12 लोगों की बोट होती है जो कि आप डिवाइड कर सकते हो अगर 12 लोग हो जाते हैं आपके, तो देखते हैं यार अभी कितने लोग हैं यहाँ पे, और फिर अगर 12 हो जाते तो हमारी टिकट सस्ती हो जाएगी। हेलो,
तो टिकट सस्ती हो जाएगी और फिर अपना सही हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे है कहाँ पे वो टूरिस्ट ऑफिस, बोर्ड तो लगा हुआ है सामने। सो आ गया है अपना यहाँ का टिकट काउंटर, ये देखिए ऐसा होता है। सो ये है अपना मैप यहाँ का। सो यहाँ से टिकट लेंगे, देखते हैं कितने की टिकट है फोंगना केव की एंड देखते हैं क्या प्राइस में मिलेगी हमको। एक्सक्यूज मी, फोंगना केव सो डू यू हैव अदर 12 पीपल, वी आर 4, या वी कैन शेयर, बट वी कैन शेयर, वी कैन शेयर, या You also going to Phong Nha Cave? Mm-hmm. How many? There are 4? 8. Okay. So, हमने टिकट्स ले ली हैं। ये टोटल हमको पड़ी हैं विद बोट 9,20,000 रुपये, जिसमें हमारा 1.5 लाख रुपये का तो Phong Nha Cave का टिकट है एंड 5.5 लाख का 12 लोगों का था, तो हमको 7 लोग हो गए, हम लोग 4 हम थे 3 और थे। तो टोटल पर पर्सन हमको बैठा है 2,30,000 रुपये विद टिकट एंड बोट। तो बस अब जा रहे हैं हम लोग, बोट लेंगे यहाँ से और फिर जाएंगे, देखते हैं कैसा है बोट राइड यहाँ की। वो वाली तो हमने करी थी वहाँ वाली, अब देखते हैं यहाँ वाली कैसी है। टिकट इसने ले ली है और जा रहे हैं, तो देखो कितनी देर में पहुँचते हैं। तो लास्ट टिकट का यहाँ पे टाइमिंग है 4 बजे, तो उससे पहले पहले जाके ले लो, अभी बज रहे हैं 2 लगभग 2 बज रहे हैं। तो अब देखते हैं कैसा है, पर वो ये कि नज़ारा अच्छा लग रहा है, बड़ी बोट है ये वाली, ये देखो। तो ये है हमारी बोट आज की, जो कि हमको Phong Nha Cave छोड़ेगी। और सही, ये वाली बोट कंफर्टेबल है यार, वो वाली जो उस पर बैठे थे उस दिन, वो तो भैया मस्त वाली खतरनाक सी थी। इसकी चेयर भी बढ़िया है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक बड़ा मज़ा आ रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। सामने पहाड़ बना हुआ है, वो ऐसा लग रहा है किसी का मुंह है, कोई लेटा हुआ है, देखो। क्या मस्त सीन है यार, यहाँ पे पहाड़ों की शक्लें बनी हुई है, ऐसा लग रहा है भगवान ने ड्राइंग बना रखी है। फाइनली Phong Nha Cave का पहला पार्ट आ चुका है और शायद यहीं पे हमको उतर के जाना है पैदल पैदल, बड़ा सही लग रहा है। या फिर शायद हमारी बोट जाएगी इस बीच में रास्ते में से, तो देखिए कितना सही लग रहा है यहाँ से। सो हम ये यहाँ से चल के जाएंगे और केव के अंदर पता नहीं कैसे जाने का रास्ता है, ये देखना पड़ेगा कहाँ है केव। मुझे लगा ये केव थी, शायद ऊपर से हटेगा ये। ओके, सो ये यहाँ पे शादी तेरी मार दिया। सो पता नहीं है यहाँ पे हमको छोड़ कर चली गई, जो सामने आंटी बैठी हुई थी हमारी बोट में जो चला रही थी पीछे से, अभी आ रही है, कुछ लेके आई है शायद। अच्छा, तो पर्ची देनी होती होगी यहाँ पे बोट के अंदर जाने के लिए, तो वही देने गई थी, तो वापस आ रही है, ये देखो।
सो ये पर्ची देने गई थी यहाँ की स्लिप होती होगी अंदर जाने के लिए, तो वही इन्होंने स्लिप दी और अब हम अंदर जा रहे हैं। देखो क्या होता है अंदर जाके। बीच बीच में जो ये बोर्ड है थोड़ी हिलती है तो डर सा लगता है, एकदम से टेढ़ी हो जाती है कभी भी। और ये आ गए हम केव के अंदर। और यहीं से ठंडा ही फील हो रही है भाई साहब। देखो अंदर जाके क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। बहुत ही सही सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने अपनी लाइट काम आ रही है मेरी भाई साहब। बहुत ही सही सीन है, ऐसा लग रहा है किसी की रावण की नगरी में आ गए। और ऐसी ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे जो कि लाइमस्टोन की बनी हुई है, पता नहीं कैसे बनी है, अपने आप ही हज़ारों लाखों साल पुरानी होंगी ये। और ये आना सक्सेसफुल हो गया हमारा, ये चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी। जो केव्स कुछ टाइम पहले देखी थी वो वाली केव्स भी, ये तो अलग ही दुनिया है। सफ़ेद सफ़ेद रंग के ऊपर पन क्या छत पर बना हुआ है, क्या ही है ये चीज़ है, अद्भुत नज़ारे। GoPro का एक ये फ़ायदा है कि यार ये बहुत ही सही वाइड एंगल शॉट लेता है, बहुत सही लग रहा है। तो मैं आंखों से देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैमरे में भी कैद कर लूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, बहुत सही लग रहा है। तो यार प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और प्लीज़ प्रमोट करो, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ ये आप लोग देखो और आगे से आगे लोगों को फॉरवर्ड करो और सब लोग वियतनाम ज़रूर आओ।
फोंगना केव आने का हमारा जो डिसीजन था बहुत ही सही रहा। हमको लग रहा था कि यार केव में क्यों आना है, घूम ली केव हमने, पर ऐसी केवें मैंने नहीं देखी थी वहाँ और कभी भी नहीं देखी थी। छोटी मोटी चलो देख ली इस बार इस ट्रिप पे, पर यार ये केव ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो बढ़ी जा रही है। और जो अंदर जो चीज़ें हो रखी हैं, जो बनी हुई हैं नक्काशियाँ, पता नहीं कैसे बनी हैं, मतलब भगवान ने बनाई है, इंसान ने बनाई है, अब किसने बनाई है कुछ नहीं पता, पर ये चीज़ें अद्भुत है। आँखों से जो देख लेगा, नहीं तो फिर भाई साहब मिस कर दोगे। आ जाओ वियतनाम, अभी भी मौका है। कोविड जैसे बीमारियाँ और आ जाएंगी उससे पहले ही आ जाओ। बहुत ही सही, सब हमको ऐसी जगह पर छोड़ा जाएगा जहाँ से हम बाय वॉक भी इस केव को घूमेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या क्या दिखता है। तो जब हम इस केव के अंदर आए तो एकदम से इन लोगों ने मोटर ऑफ कर दी है और ये सारे जो हैं चप्पू चला रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इसकी वजह से, क्योंकि अगर मोटर चलेगी तो ऊपर से कुछ गिर सकता है वाइब्रेशन की वजह से, तो शायद इसकी वजह से इन्होंने मोटर ऑफ कर दी और आराम आराम से हाथ से चला रहे हैं। तो यहाँ पे रास्ते बने हुए हैं ऐसे कि ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो रहता है यहाँ पे, या जानवर हैं या क्या हैं। और ये आ गए हैं हम जहाँ से पैदल का रास्ता शुरू होता है, और अब हम जाएंगे पैदल और अपने इस केव को देखेंगे। हेलो, सो फाइनली हम आ चुके हैं जहाँ से हमको पैदल के रास्ते से केव को क्रॉस करना है और देखना है केव में क्या क्या है। भाई साहब मैंने पहली बार केव को देखना है यहाँ पे आके देखा है, और वो भी पैदल के रास्ते से। भाई साहब अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सो ये पूरा पाथ बना रखा है सीढ़ियों का चढ़ने के लिए, केव के ऊपर जाने के लिए। सो कोई भी आ सकता है, बड़ा इजी है। एक बात याद ध्यान रखना कि 4 बजे तक ही बोट राइड अलाउड है, टिकट लेनी, उसके बाद आपको टिकट नहीं मिलेगी। सो लगभग अपना 1-1.5 बजे आ जाओ और टिकट ले लो और बहुत मज़ा लो यहाँ पे आके। हेलो, तो इस केव में किसी इंसान का हाथ नहीं है, कुछ यहाँ पे मैन मेड नहीं है, सब कुछ अपने आप ही बना हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने आप मुँह से उतरी निकल रहा है, क्योंकि चीज़ें यहाँ की बहुत ही अलग है। ये देखो सामने इतना बड़ा सा पत्थर। थैंक गॉड हम यहाँ पे आ गए। पहले हमारा प्लान हो रहा था कि यार क्यों जाना है पैसे देख के, क्योंकि इनकी जब करेंसी देखते ना 1.5 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये तो लगता है भैया बहुत ही महंगा है, पर यार कुछ नहीं है, हमारा आपको 750 रुपये पड़ा है। 7 बंदों की उसमें बोट राइड हो गई और 7 बंदों की बोट राइड है और उसमें हमारा सारा कुछ यहाँ की एंट्री फीस है, तो 2,30,000 रुपये पर पर्सन में। क्या हमारा भैया, आ जाओ देख लो, ये चीज़ें इंडिया में नहीं मिलेंगी, ये कहीं नहीं मिलेंगी। बहुत कम जगह हैं जहाँ पे केव्स हैं और ऐसी केव्स हैं, पता नहीं यार कैसे बने इतने बड़े बड़े बीच में जगहें कैसे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कहीं कहीं छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, इतनी बड़ी जगह, स्पेस है देखो बीच में, पूरी स्पेस है ये।
कैसे बनी है, किसने काटा है पत्थर को। वहाँ पे छोटा सा गली बनी हुई है जाने की रास्ता। सो हमारा यहाँ पे आना सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल, ये चीज़ दुनिया में कहीं नहीं दिख सकती। मुझको जो लगता है यार, ये पता नहीं अपने आप बनी हुई चीज़ें हैं और इतनी ज़्यादा सुंदर हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यार यहाँ पे जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ वो कैसा लग रहा है। मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे बनाई है जगहें, पर जो भी है बहुत सुंदर है। यही शब्द निकल रहे हैं बाबा मुँह से कि सुंदर है, सुंदर है। क्या ही बोलोगे यार, इतना सुंदर है। थैंक यू यार वियतनाम की गवर्नमेंट, आपने इतने सही केवों के अंदर रास्ते ढूंढे हैं और उनको इजीली एक्सेसिबल बनाया है कि कोई भी इंसान आके घूम सकता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे छोटी उम्र का चाहे बड़ी उम्र का, चाहे बुज़ुर्ग जवान, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। सीढ़ियाँ जहाँ पे हैं नहीं वहाँ पे इन लोगों ने अपनी लकड़ी की बना रखी हैं और कहीं कहीं अपने आप बनी हुई सीढ़ियाँ। ये देखो सीढ़ियाँ, ये देखो सीढ़ियाँ, ये पाथ बने हुए हैं अपने आप वाले। और जो रास्ते इन लोगों ने बनाए हैं गवर्नमेंट ने, वो है लकड़ी के फट्टे हुए इन्होंने बना रखे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजबूत। ये देखिए, ये जितना भी लकड़ी का है ये सारा यहाँ की गवर्नमेंट ने बना रखा है। एंड यार भाई साहब मस्त, बहुत ही सही बना रखा है। और ये ख़त्म ही नहीं हो रही है कि फन कितनी बड़ी केव है, तो चले ही जा रहे हैं। और चमगादड़ों की यहाँ पे आवाज़ें आ रही है भाई, कोई आके बैठ मत जाइए, उस तेरी ऊपर उड़ रहा है बॉक्सर चमगादड़। ये देखो तो भाई सुपर व्यू तो अलग ही आया गोप्रो का। पूरी केव आ रही है इस कैमरे में। तो थैंक गॉड के गोप्रो में सुपर वाइड व्यू है। ओ भाई साहब पूरी केव आ गई एक छोटे से कैमरे के अंदर, मजा आ गया देख के। अब ये देखो सामने जो ये बन रखे हैं, ये लंबी लंबी ऊंची इमारतें, मजा आ रहा है मजा। सो यहाँ पे आना हमारा सक्सेसफुल रहा। इतनी सुंदर, इतनी बड़ी और अपने आप बनी हुई, इसमें कोई इंसान का हाथ नहीं है, ऐसी मैंने चीज़ कभी नहीं देखी। ये अजूबा है जो दुनिया में कहते हैं कि काफ़ी अजूबे ऐसे छुपे हुए हैं अभी तक जो इंसानों ने नहीं देखे हैं और ना ही उनको बनाया है और ना ही कोई उनका हाथ है उसमें। सो ये चीज़ वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो कि किसी को मिस नहीं करनी चाहिए। और जो मिस कर रहा है वो मुझे पता नहीं क्यों मिस कर रहा है अभी तक, मैं भी मुझे नहीं पता था, पर मैंने देख लिया। मुझे लग रहा है कि मैंने पूरी फैमिली को, जितने भी लोग हैं सबको बोलूँ भैया तुम आओ यहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करो ये चीज़। ये देखिए कितना सुंदर है यार। ये देखो अब हम इसके एंड में आ गए हैं चलते चलते। यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी और वहाँ हमको उसने छोड़ा था, तो पैदल चलते चलते पूरा हमने कवर किया है। और ये देखो ऊपर, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ के एंड पॉइंट पे। यहाँ थोड़ी सीढ़ियाँ ऊंची हैं जो कि अपने आप बनी हुई हैं, ये यहाँ के लोगों ने भी बनाई। और बहुत सही सीन है, झरना देखो छोटा सा, ये बारिश का पानी गिर रहा है, क्या पानी है देखो। तो
चलो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं कि इसका एग्जिट पॉइंट कहाँ से है। और जो ये मेरे पीछे हैं ये ब्लू कलर के हो रखे हैं, एक्वा जिसको कहते हैं, एक्वा कलर। और बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है यार, कलर भी आ रखा है यहाँ पे। मतलब ये सारे वाइट वाइट सा, ऑफ वाइट सा बना हुआ था और ये एक्वा कलर है, बीच में वाइट वाइट कलर की लाइंस आ रखी हैं, तो एकदम ही डिफरेंट चीज़ है। तो ये था फोंगना केव। मैंने कोशिश पूरी करी है यार वीडियो बनाने की, जो भी चीज़ें देखी मैंने उसको कैप्चर करने की, बस वही है यार जो आप आंखों से देख पाते हो और जो यहाँ पे आके फील कर रहे हो, वाइब जो आ रही है वो कैमरे में नहीं हो पाएगा उतना। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे वियतनाम वाले, मैं तो भाई अपने भाइयों और बहनों की उसके लिए बोल रहा हूँ कि यार आओ देखो, एक ही लाइफ में लिए, घूमो फिरो, इन्जॉय करो और ऐसी जगहें देखो जहाँ पे हाँ सच में कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं और किसी ने नहीं बनाई, वो अपने आप बनी हैं और ये आँखों में कैद करने वाली चीज़ें हैं, तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा और आप आगे से आगे सालों में बातें शेयर करोगे कि यार मैंने भाई वो केव देखी थी जो एकदम ही अलग थी। तो मेरे लेफ्ट पे है गॉड केव जो कि बंद करा हुआ है इन लोगों ने, फिर टेम्पल है ऊपर जाके केव के अंदर। तो चलो कोई नहीं, अगली बार ही आएंगे ज़रूर, फिर देखेंगे। तो यहाँ से एक्सिट करते ही सामने इन्होंने कैफ़े सा बना रखा है जहाँ पे खाने पीने का सामान रखा है, तो इनको पता है कि भाई लोग सब लोग यहाँ पे 2-3 घंटे लगा के आते हैं, तो कुछ खाने को तो चाहिए इन लोगों को। और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आपको कोई बियर वियर पीनी है, सो कुछ भी ले सकते हो आप लोग एंड पूरा कैफ़े देख लो। अब हम जा रहे हैं, वापस अपनी बोट की तरफ। रास्ते में अपने नींबू पानी लिया जो कि बहुत टेस्टी है, मैंने फ़ोटो खींच रखी है उस बॉटल की, डाल दूंगा मैं किसी एक वीडियो में। और यहाँ पे पूरा इन्होंने शॉपिंग का बना रखा है, कपड़े वपड़े सब कुछ मिल रहे हैं देखो। तो लगभग 3 घंटे लग गए हमको पूरी जर्नी करने में, बोट का और अंदर का पैदल का मिला के, और बहुत मज़ा आया। सो इन बोट पे बैठ के अब हम घर की ओर चल रहे हैं, अपने होटल की तरफ, और अब रास्ते के दिखाते हैं कुछ वीडियो। बाय 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 फोंगना केव, बहुत मज़ा आया घूम के और ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम याद रहेगा। ये 3 घंटे, इतनी बढ़िया पिक्चर मैंने कभी नहीं देखी, ये पूरी पिक्चर दिखा दी 3 घंटे में उन लोगों ने, मज़ा आ गया। खा रहे हैं यहाँ का और बहुत ही टेस्टी लग रहा है, ये देखो। पहले और ये कैफे बड़ा सही लग रहा है यार। तो आज का दिन हमारा ख़त्म होता हुआ और सामने जो बादल दिख रहे हैं और आसमान जो दिख रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है इस टाइम पे, दिखाता हूँ मैं आपको एक सेकंड रुकिए। तो यही है सुंदरता यहाँ की वियतनाम की।
बादल इतने सुंदर सुंदर आ रखे हैं ऊपर, और सामने हैं पहाड़, हरे पहाड़, पूरे पहाड़ों पे पेड़ ही पेड़ हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए अब घर जाते हैं, अपने होटल जाते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं और मिलते हैं कल आपसे। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अपनी नई जगह। ओके बाय।